हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फार्मासिस्ट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्माको स्टूडियो। आज हम फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे, जिसमें हमें देखना है व्हाट आर लैक्सेटिव और लैक्सेटिव्स के एग्जांपल। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 होगा। क्या हमें इसमें क्या क्या डिस्कस करना है, व्हाट आर लैक्सेटिव्स, लैक्सेटिव क्या होते हैं, और प्रोफाइल ऑफ ड्रग्स बिलोंगिंग टू लैक्सेटिव्स, एग्जाम्पल एलो, कैस्टर ऑयल, सेन्ना एंड इसबगोल। मतलब जो भी लैक्सेटिव कैटेगरी में जो ड्रग्स आते हैं उनकी हमें प्रोफाइल देखनी है। प्रोफाइल मतलब जिसमें हम क्या क्या देखेंगे, सिनोनिम, उसका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड उनके यूजेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लैक्सेटिव क्या होता है। अ ड्रग और सब्सटेंस विच इंक्रीज द बॉवेल मूवमेंट्स, लूजन द स्टूल एंड रिलीव कॉन्स्टिपेशन। लैक्सेटिव ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारी बोवेल मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं। बोवेल मूवमेंट मतलब हमारे इंटेस्टाइन में जो भी हमारा स्टूल जो बनता है, हमारा जो मल बनता है, उस मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं, और रिलीव कॉन्स्टिपेशन जो कि कब्ज को ठीक करते हैं। जो भी हमारा स्टूल होता है, जो हमारा मल होता है, अगर वो किसी कारण से अगर कहीं लटक जाता है, जो कि निकलने में जब तकलीफ होती है, तो लैक्सेटिव्स का हमें यूज़ करना होता है। इसी ड्रग्स को हम कहते हैं लैक्सेटिव्स, जो कि हमारे स्टूल को लूजन करते हैं और कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ देते हैं। उसके एग्जांपल आते हैं एलो, कैस्टर ऑयल, सेन्ना एंड इसबगोल। सबसे पहले हम देखते हैं एलो। एलो के प्रोफाइल में हम देखते हैं उसका सिनोनिम। सिनोनिम सिंपल एलो ही है। उसका बायोलॉजिकल सोर्स, एलो इज द ड्राइड जूस ऑफ द लीव्स ऑफ एलो बारबेडेंसिस मिलर। मतलब एलो ये ड्राइड जूस है जो कि हमें लीव्स से मिलता है, किसके, एलो बारबेडेंसिस मिलर के। ये आपको एग्जाम के पर्पज़ से लर्न करना ही होगा। और उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ऑल वेराइटीज ऑफ एलोस कंटेन अ येल्लो कलर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नोन एज बारबोलोइन। अब एलो मतलब जो हमारा एलोवेरा होता है, उसमें देखिए एक येलो कलर का सब्सटेंस होता है, उसे क्या कहते हैं, बारबोलिन। वो सी ग्लाइकोसाइड होता है। ये हम पढ़ेंगे सी ग्लाइकोसाइड क्या होता है, आगे आगे जैसे जैसे मैं लेक्चर डालती जाऊँगा हम सब इसका डिस्कस करेंगे। रेजिन होते हैं, उसमें एलो इमोडिन होता है, आइसो बारबोलिन होता है और बीटा बारबोलिन। अब उसके यूजेस हम देखते हैं। इट इज़ यूज एज इरिटेंट परगेटिव। मतलब सिंपली इसे लैक्सेटिव भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे स्टूल को रिलीज करता है। एलो जेल इज़ यूज इन कॉस्मेटिक्स एज प्रोटेक्टिव। मतलब एलोवेरा जेल जो है हमारे कॉस्मेटिक यूज़ में होता है, जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है, इट प्रिवेंट रिंकल्स ऑन फेस। मतलब जो भी रिंकल्स हमारे फेस पे आते हैं उसको प्रिवेंट करता है। इट क्लियर स्किन ब्लेमिशेस एंड ग्रोस न्यू एंड हेल्थी टिश्यूज। मतलब हमारे स्किन को ये क्लियर करता है, ब्लेमिशेस करता है और ग्रोज न्यू एंड हेल्थी टिश्यू, जो भी हमारे डेड सेल्स है उसको रिमूव करता है और न्यू टिश्यू को ग्रो करने में हेल्प करता है। इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ हेयर, साथ ही साथ में हमारे हेयर के लिए भी, हमारे हेयर के ग्रोथ के लिए भी ये अच्छा होता है। एक्सटर्नली इट इज़ अप्लाइड फॉर पेनफुल इन्फ्लामेशन। मतलब अगर हमें कहीं सूजन आ जाती है तो इसे एक्सटर्नली अप्लाई करने से वो प्रिवेंट की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैस्टर ऑयल की प्रोफाइल। कैस्टर ऑयल का सिनोनिम है एलियम रिसिनी, एलियम रिसिनी। नेक्स्ट हम देखते हैं उसका बायोलॉजिकल रिजल्ट्स। कैस्टर ऑयल इज़ द फिक्स्ड ऑयल। ये फिक्स्ड ऑयल होता है ऑप्टेन बाय द कोल एक्सप्रेशन ऑफ द कर्नल ऑफ सीड्स ऑफ रिसिनस कम्युनिस। मतलब ये कहाँ से ऑप्टेन होता है, सबसे पहले तो आप कैस्टर ऑयल समझ लीजिए कि क्या होता है। हमने देखिए जो एरंड होता है, एरंड का तेल, उसी को हम कहते हैं कैस्टर ऑयल। अब ये कैसे ऑप्टेन होता है, कोल एक्सप्रेशन ऑफ द कर्नल्स ऑफ सीड ऑफ रिसिनस कम्युनिस। रिसिनस कम्युनिस कुछ नहीं, ये कैस्टर ऑयल ही है, हमें ये इसके कोल्ड एक्सप्रेशन से मिलता है। नेक्स्ट इसकी फैमिली है यूफ्रोबियासी। यूफ्रोबियासी ये भी आपको लर्न करना ही है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसकी फैमिली बायोलॉजिकल सोर्स आपको लर्न करना ही पड़ेगा। फैमिली आते हैं यूफ्रोबियासी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कैस्टर ऑयल चीफली कंटेन
ट्राइग्लिसेराइड ऑफ रिसिनोलिक एसिड, मतलब इसमें रिसिनोलिक एसिड होता है। अदर ग्लाइसराइड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ड्रग वेयर द फैटी एसिड आर रिप्रेजेंटेड बाय आइसोरिसिनोलिक लिनोलिक स्टेरिक एंड आइसोस्टेरिक एसिड। साथ ही साथ इसमें अदर ग्लिसराइड्स भी होते हैं और फैटी एसिड भी होते हैं, जिसमें आइसो रिसिनोलिक लिनोलिक स्टेरिक एंड आइसोस्टेरिक एसिड होते हैं। इसके यूजेस, कैस्टर ऑयल इज़ यूज एज अ कैथेरेटिक। कैथेरेटिक कुछ नहीं, सिंपल परगेट यूज ही है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर लुब्रिकेशन, मतलब ये लुब्रिकेशन के लिए हेल्प करता है। कमर्शियली मतलब लुब्रिकेशन, अगर देखिए हमें कहीं भी ग्रीस वगैरह यूज़ करना हो, जहाँ भी कोई कोई भी मशीन में जब फ्रिक्शन होता है तो इस ऑयल का यूज़ किया जाता है लुब्रिकेशन के लिए। टर्की रेड ऑयल एंड सोप आर अदर कमर्शियल प्रोडक्ट्स। टर्की ऑयल, रेड और सोप, इसके इसमें भी ये यूज़ होता है। एक्सटेंसिवली यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बहुत ही ज़्यादा तौर पे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। कैस्टर ऑयल इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स, एनामेल, वार्निशेस, ग्रीस, पॉलिशेस एंड प्रिंटिंग इंक्स। मतलब कैस्टर ऑयल पेंट में, ग्रीस में, पॉलिशेस में और प्रिंटिंग इंक्स में भी यूज़ होता है। हमने इसके पहले जो एलो देखा था, शायद एलो में हमने इसकी फैमिली नहीं लिखी है, तो इसकी एलो की फैमिली आती है लिली एसी, ध्यान में रखना। एलो की फैमिली आती है लिली एसी। नेक्स्ट हम देखते हैं सिन्ना। सिन्ना का सिनोनिम होता है ट्रिनी वैली सिन्ना या फिर इंडियन सिन्ना, और इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ ड्राइड लीफलेट्स ऑफ कैशिया अंगुस्टिफोलिया वाल बिलोंगिंग टू फैमिली लेगुमिनासी। ये ड्राइड लीफलेट होता है किसका, कैशिया अंगुस्टिफोलिया का। ये सेन्ना का ही नाम है, जिसे कैशिया अंगुस्टिफोलिया कहा जाता है, और फैमिली जो है इसकी वो है लेगुमिनासी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, सेन्ना कंटेंट एंथ्रोक्लिन डेरिवेटिव्स, मतलब सेन्ना में एंथ्रोक्लिन डेरिवेटिव्स होते हैं विच आर डाइमेरिक ग्लाइकोसाइड एंड आर द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग। सिन्ना का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो है डाइमेरिक ग्लाइकोसाइड, जो कि है सिनोसाइड ए, सिनोसाइड बी, सिनोसाइड सी एंड सिनोसाइड डी। कभी कभी ये 1 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। यूजेस, सिन्ना लूज आर यूज एज लैक्सेटिव्स, मतलब ये एज ए लैक्सेटिव यूज़ होता है। लैक्सेटिव क्या होता है ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सिन्ना इज एन इरिटेंट परगेटिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथ्रेक्लिन डेरिवेटिव्स, मतलब सिन्ना ये इरिटेंट परगेटिव है। इरिटेंट परगेटिव मतलब एज अ लैक्सेटिव, वो सेम ही होता है लैक्सेटिव की तरह। सिन्ना इज फ्री ऑफ एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट ड्यू टू अब्सेंस ऑफ टैनिन, मतलब ये एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट शो नहीं करता है। एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट मतलब एक प्रोटीन लेयर फॉर्म होती है जो कि हमारे किसी भी टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे क्या होता है हमारा ब्लीडिंग जो है वो रुक जाता है। तो ओनली डिसएडवांटेज ऑफ सिन्ना इज दैट इज कॉजिंग ग्रीपिंग, मतलब इसका जो डिसएडवांटेज है वो है ये ग्रीपिंग, मतलब कोई सा भी पेन वगैरह अगर होता है तो वो ग्रीप करके रखता है, मतलब जकड़ के रखता है, इसलिए ये सिन्ना का डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसबगोल। सिनोनिम, इसबगोल एंड इसबगोल, ये इसका सिनोनिम। बायोलॉजिकल सोर्स है, इसबगोल कंसिस्ट ऑफ ड्राइड सीड ऑफ द प्लांट नोन एज प्लांटागो ओवाटा, मतलब इसबगोल जो होता है वो ड्राइड सीड होता है किस प्लांट का, प्लांटागो ओवाटा, और इसकी फैमिली होती है प्लांटागिनासी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ पेंटोसैन एंड अल्डोबायोनिक एसिड। पेंटोसैन और अल्डोबायोनिक एसिड इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस आर, जब इसबगोल का हाइड्रोलिसिस होता है तो ये प्रोडक्ट देता है, वो कौन से, फिराबिनोस, ग्लैक्टोरुनोइक एसिड एंड रैमनोस। फिक्टोल एंड प्रोटीन्स आर द अदर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग,
मतलब फिक्स्ड ऑयल और जो प्रोटीन होता है ये अदर ईस्ट के इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब इसके यूजेस देखते हैं। यूज़ सीड्स एलवेज एज दी हस्क आर यूज एज डिमुलसेंट लैक्सेटिव इमोलेंट एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन अमोबिक एंड बैसिलरी डिसेंट्री। मतलब इसका सीड्स और इसका जो हस्क होता है वो एज अ लैक्सेटिव एज अ इमोलेंट और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में और एमोबिक या और बैसिलरी डिसेंट्री में ये यूज होता है। साथ ही साथ म्यूसिलेज ऑफ दी इसबगोल इज़ यूज इन दी प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट एंड ऑल्सो एज अ स्टेबिलाइजर इन दी आइसक्रीम इंडस्ट्री। मतलब इसका जो म्यूसिलेज होता है वो टैबलेट की प्रिपरेशन में यूज़ होता है और आइसक्रीम के भी प्रिपरेशन में यूज़ होता है एज अ स्टेबिलाइजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकॉन।